अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू कट अ परफेक्ट आर्म होल। शर्ट में आर्म होल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसकी कटिंग ठीक ना हो तो आपकी शर्ट कभी भी परफेक्ट नहीं बनती। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारे यूनिवर्सल साइज हैं। स्मॉल साइज़ का पहले मैं आपको बताऊंगी और फिर मीडियम साइज़ का। स्मॉल साइज़ में हम सबसे पहले तीरे का निशान लगा रहे हैं। तीरा हमारा 10 इंच है, 1 इंच हमने सिलाई के लिए छोड़ना है, तो 11 इंच का निशान मैंने ऊपर तीरे का लगा लिया है। अब नीचे मैं 6 इंच का आर्म होल निशान लगा रही हूँ, 6.5। ये 6.5 आर्म होल का निशान है। नीचे जो इसकी चेस्ट हम स्मॉल साइज़ में लेंगे वो 24 है, तो हम इसका हाफ मार्क कर लेंगे, विच इज़ 12। 12 इंच का हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से शर्ट पे। अब हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान मार्क करेंगे आर्म होल बनाने के लिए। फ्रंट साइज़ का 1 इंच अंदर की साइड पे हमने मार्क कर लिया। ये स्मॉल साइज़ का मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने इसका लाइन का हाफ ले लेना है। ये मैंने लाइन का हाफ ले लिया और इसको मैं इसके साथ जॉइन कर दूँगी। जॉइन करने के बाद 1 इंच का मार्क मैंने अंदर की तरफ स्ट्रेट लगाया है ये वाला, और इसको मैं हाफ के साथ जॉइन कर दूँगी। फ्रेंच कर्व की मदद से आप कर लें। इफ़ यू डोंट हैव अ फ्रेंच कर्व तो आप हाथ की मदद से भी परफेक्टली इसको मेक श्योर आपने राउंड करना है। इस तरह से हम इसको जॉइन कर देंगे। ये हमारा स्मॉल साइज का फ्रंट साइज का आर्म होल है। ये मेजरमेंट्स आप एक पेपर पे लिख लें ताकि आगे भी आपको हेल्प हो। इसी तरह ये बैक साइड का है, इसको भी हम इसी तरह जॉइन कर देंगे। बैक साइड का आर्म होल अमूमन थोड़ा सा इस तरह से खुला होता है और जो फ्रंट साइज का है वो थोड़ा सा डीप होता है। ये हमारा फ्रंट साइज का बन गया और ये बैक साइड का। अब आप सीजर की मदद से इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर कट है। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगी मीडियम साइज का आर्म होल बनाना। लेट सपोज कि ये हमारा फोल्ड हुआ हुआ कपड़ा है, 2.5 इंचेस मैंने गला छोड़ दिया है मीडियम साइज़ के लिए। तीरा मैं ले रही हूँ 11 से 12 इंच। अगर आप 12 ले रहे हैं निशान तीरे का लगा रहे हैं तो हाफ हम उसका ले लेंगे, 6.5 ले लेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में भी आता है। नीचे मैं 7 इंच की आर्म होल मेजरमेंट रख रही हूँ। मीडियम साइज़ में जो आर्म होल की लेंथ है वो 7 इंच होती है। चेस्ट जो है हमारी मीडियम साइज़ में ये 28 से 36 है। इसका हाफ मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी, विच इज़ 14 इंचेस। आप अंदर की तरफ मैं 0.7 इंच का निशान लगाऊंगी। स्मॉल में हमने 1 इंच रखा था और इसमें हम 0.7 इंच। इसका सेंटर हम निकालेंगे दोनों लाइंस का, इसे मैंने ऊपर से नीचे इसको जॉइन कर दिया है। लाइन का मैं सेंटर निकालूंगी, अंदर की तरफ ये लाइन मैंने मार्क कर ली, ये मैंने इसका सेंटर निकाल लिया और इसको मैं फ्रेंच कर्व की मदद से जॉइन कर दूंगी। मेक श्योर ये आपका परफेक्टली राउंड एक सही तरीके से इसके साथ जॉइन हो। रीटचिंग करके ये ऊपर से हम ये परफेक्ट हमारा आर्म होल मीडियम साइज का बन जाएगा, ये फ्रंट साइज और ये बैक साइज। इसी तरह हम लार्ज साइज का भी बनाएंगे, उसकी भी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारा जो लार्ज में होगा वो चेस्ट साइज हमारा 44 होगा, तीरा 13 से 14 है
और आर्म होल की लेंथ है वो 7 3/4 इंच। यू लाइक आवर वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट। शुक्रिया।